हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चिकन मसाला। आप इससे पहले ज़रूर चिकन मसाला बनाए होंगे, बट ये एक न्यू तरीके से बनाने जा रहा हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट होगा आपके लिए। आप ज़रूर देखें। ये मैं 400 ग्राम ओनियन ले लिया हूँ और धनिया पत्ता ले लिया हूँ, आप देख रहे हैं। और ये 2 जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये एक मीट मसाला ले लिया हूँ और 2 एवरेस्ट का चिकन मसाला है। 3 टमाटर है और ये 1.5 केजी मेरा चिकन है, आप देख रहे हैं। और मैं इसको कट करके मैं टिफिन में इसके पाउडर को डाल रहा हूँ, देख रहे हैं। ये एवरेस्ट का मसाला है, ये बेस्ट मसाला है। आप किसी भी मार्केट में ये आपको मिल जाएगी। और ये हल्दी पाउडर है, मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दे रहा हूँ मसाले में, ताकि ये भी अच्छी तरह से घुल जाए। और मैं इसमें थोड़ा वाटर मिला दे रहा हूँ घुलने के लिए। मैं यहाँ पर कढ़ाई हीट कर दिया हूँ, ऑलरेडी हीट है। यहाँ पर ऑयल मैं यूज कर रहा हूँ, मैं ऑयल सनफ्लावर का यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, सरसों वगैरह जो भी। ये मेरे तेल हीट हो चुकी है, मैं चिकन डाल दिया इसको फ्राई करने के लिए, ताकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे। और आप नॉर्मल टेम्परेचर में आप इसको पकाएं तो बेस्ट रहेगा। देखिए मेरा ये हो चुका है। आप इसको चलाते रहें, चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये सटे नहीं और ये अच्छी तरह से पके। आप पके, देखिए ये हो चुका है। और मैं इसको निकाल रहा हूँ, छलने का यूज कर रहा हूँ, ताकि जो भी ऑयल है वो नीचे फॉल डाउन हो जाए। ये 50% पक चुकी है। देखिए हमारे चिकन ये फ्राई हो चुका। ये ओनियन है, इसको मैं अभी तेल में फ्राई करने वाला हूँ। इसको अच्छी तरह से पकाएं और इसमें साल्ट डाल रहा हूँ, ताकि ये खुले और जल्दी पके। और आपको इसको एकदम स्लो फ्लेम में इसको पकाना है, गैस का स्लो फ्लेम होना चाहिए। हल्दी पाउडर मैं इसमें भी डाल दिया। देखिए ये मेरा पक चुका है ओनियन, और यहाँ पर मैं मसाले को डाल रहा हूँ, मसाला भी अच्छी तरह से पकने के लिए। देखिए मैं चिली पाउडर यूज कर रहा हूँ। जितना आपको लगे मात्रा अनुसार, ये देखिए मेरा हो गया है। यहाँ पर पूरा साइड में देख रहे हैं, पैने के यहाँ पर तेल छोड़ दिया। और मैं ये वाओ, ये देखिए यहाँ पर मैं चिकन को इसमें डाल रहा हूँ फ्राई करने के लिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला भुज गया है। मैं इसको एकदम स्लो फ्लेम में आप इसको आप 10-50 मिनट आप इसको मसाले के अंदर इसको भूजिए, ताकि ये चिकन खाने में चिकन बहुत स्वादिष्ट लगे। देखिए मेरा यहाँ पर ये
ये भी भूज गया है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा पेंदे में तेल छोड़ दिया। फिर से मेरा चिकन हो गया है, देखिए मेरा बन चुका है। आई होप रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप ये रेसिपी को आप पुलाव के भी साथ खा सकते हैं। और ये रेसिपी जो है, ये चिकन मसाला है, बहुत स्वादिष्ट है और बहुत सिंपल तरीका से मैंने बनाया। आप इस चिकन को चिकन बिरयानी में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।